इसको लेने से आपके शरीर की 5 बीमारियां ऐसे साफ होगी जैसे कभी पहले थी ही नहीं। जी हाँ, मैं आज आपके साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो 5 बीमारियों पर इतनी ज्यादा इफेक्टिव प्रभाव डालती है कि आपके 5ों बीमारियां जड़ से सही होने लगती है। जिस रेमेडी की बात मैं कर रही हूँ वह है मुलेटी, और मुलेटी कई सारी बीमारियों को ठीक करती है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं नेचुरली, जो कि हमारे गले के लिए, हमारे आंखों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए कई तरह की बीमारियों को जड़ से साफ करती है। अगर आपको इन 5ों में से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो आप इसका इस्तेमाल करके तुरंत ही आराम पा सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो हैं, एक बार जाकर आप उन्हें जरूर चेक करें, दूसरों की मदद करें, शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है, आंखों की कंजक्टिविटीज, यानी आंखों के अंदर लालपन आने लगता है, खुजली होने लगती है, आंखों के अंदर काफी ज्यादा ऐसे लगेगा कि पूरा चिपचिपा सा हो रहा है, यहाँ पर भी सूजन आने लग जाएगी, कई तरह की आंखों संबंधित अगर आपको बीमारियां होती है तो इस मुलेठी का प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुलेठी के 2 तरह के उपाय आंखों के लिए आप कर सकते हैं। पहला तो आपको क्या करना है, एक पानी लेना है थोड़ा सा, उसके अंदर मुलेठी को पाउडर को डाल देना है और उसे घोल लेना है। उसके बाद एक कोटल लेनी है और उसके अंदर डीप कर लेनी है और अपनी आंखों पर उनको थोड़ा ठंडा करके रख लेना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी आंखों के अंदर जो जलन हो रही है, आंखों में जो संक्रमण हो गया है, वह बिल्कुल सही होने लग जाएगा। इस तरह से आप पहला उपाय तो ये कर सकते हैं, ये दिन के अंदर आप जब भी फ्री होते हैं तब कर सकते हैं। दूसरा इसका आंखों के लिए जो उपाय है वह मुलेठी की जड़ को आपको थोड़ा घिस लेना है, उसका एक पेस्ट फॉर्म बन जाएगा और अपनी आंखों के आसपास के एरिया के अंदर अगर उस लेप को आप कर लेते हैं तो भी आपकी आंखों के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है वह सही होने लगता है। यानी आंखों के अंदर चाहे कितनी खुजली चल रही थी, जलन हो रही थी, लाल हो गई थी, किसी भी प्रकार की अगर आपको बीमारी है तो उससे बिल्कुल नेचुरली ठीक होने लगेगी। तो इस तरह से अपनी आंखों को आप सुरक्षित कर सकते हैं इस छोटे से उपाय के साथ में, इससे आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी का संक्रमण रहता है, लगातार खांसी रहती है, कफ बलगम वाली हो, सूखी हो, किसी भी प्रकार की खांसी चल रही है और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, तो इस मुलेठी का प्रयोग आप कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच मुलेठी का पाउडर लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच आपको शहद डाल देनी है और इसका मिश्रण बनाकर दिन में अगर 3 बार लिया जाए तो खांसी में आराम आता है, लगातार जो खांसी चल रही होती है उसमें तुरंत ही आराम मिलता है। तो इस रेमेडी को आप कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी चलती है, जुखाम होता है, बलगम वाली खांसी है, सूखी खांसी है, इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के मुंह के अंदर, गले में बहुत ज्यादा छाले हो गए हैं, घाव हो गए, तो आप इस मुलेठी के पाउडर से उनको नेचुरली ठीक कर सकते हैं। अगर छाले और घाव ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो ये काफी गंभीर समस्या का रूप भी ले लेते हैं, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। मुलेठी का पाउडर लेना है और उसे जहां पर भी छाले हो रहे हैं, घाव हो रहे हैं, वहां पर चुटकी से इस तरह से अपनी उंगली में लेकर पाउडर को डाल देना है। इस पाउडर को आप दिन में 4 से 5 बार लगाएं अपने छालों पर और घाव पर, जिससे वो नेचुरली भरने लग जाए, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसके अंदर जितने भी कीटाणु रहेंगे वह और ज्यादा कीटाणु को फैलाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस मुलेठी को पाउडर को डाल देना है, छाले और घाव बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे। इस तरह से अपने मुंह के लिए, घाव के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पुरुषों के अंदर पावर अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, आपको लगता है कि आपके हार्मोन्स इम्बेलेंस हो गए हैं या आपके शरीर के अंदर काफी ज्यादा कमजोरी रहती है, तो इस मुलेठी के पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है, रोजाना 2 चम्मच मुलेठी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच घी रखकर, गाय का देसी घी रखना है, उसके अंदर उसके थोड़ा सा भून लेना है और फिर उसके अंदर 1 ग्लास गाय का ही देसी दूध जो होता है उसको उसके अंदर डाल देना है और उस दूध को बना करके आपको पीना है। यानी सबसे पहले आपको घी के अंदर अच्छे से 2 चम्मच आपको मुलेठी का पाउडर भून लेना है, उसी के अंदर आपको 1 ग्लास दूध डाल देना है और इस दूध को पका करके अगर आप पीते हैं तो पावर बढ़ने लगती है, आपके शरीर की ताकत एकदम से आ जाएगी, शरीर कमजोर होगा, दर्द होगा, थकावट लगती है, मन नहीं करता है, तो सब चीजों पर आपके काम करेगा। इस उपाय को आप कर सकते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर किसी भी व्यक्ति को सिरदर्द की समस्या बहुत ज्यादा होती है, चाहे माइग्रेन है, चाहे किसी भी प्रकार का सिरदर्द है, आपको क्या करना है, इस मुलेठी का इस्तेमाल करना है। इस मुलेठी को आप थोड़ा सा पानी रखकर 1 कप और 1/2 छोटा चम्मच मुलेठी का पाउडर डाल दीजिए, उसी के अंदर थोड़ा सा अदरक कूट करके डाल दीजिए, दोनों का पानी बना करके अगर आपको सिरदर्द होता है उसी दौरान अगर आप लेते हैं तो तुरंत ही आपके सिर दर्द में आराम आता है, आपका सिर दर्द गायब हो जाता है, चाहे वो गैस की वजह से हुआ हो,
चाहे माइग्रेन की समस्या हो, चाहे आपके पीछे की नसों के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा हो, चाहे पूरा सिर दुख रहा हो, चाहे आपके सिर दर्द के साथ में उल्टी होती हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल करिए, इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। ये आपके पेट के अंदर जाकर पाचन तंत्र को सही करेगा, गैस को ठीक करेगा, उल्टा सुलटा आपने कुछ खाया होगा उसको बिल्कुल सही कर देगा, खाने को पूरी तरह से पचा देगा और फिर आपका सिर दर्द होगा वो बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। तो इस तरह से इसका उपाय भी आप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो सबसे पहला कारण खान पान होता है और हमारे दिनचर्या होती है। अगर हम हमारी दिनचर्या के अंदर योग को अपना ले, सुबह सुबह अगर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के लिए 20 मिनट अगर निकाल करके खुद के लिए जिए, खुद की हेल्थ को दे, तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, फिट रहता है, उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। वो योग कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, ऐसे तो मूलेटी के और भी कई तरह की बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं इस पाउडर का इस्तेमाल करके। लेकिन आज जो हमने 5 रेमेडी जानी है वह बहुत ज्यादा पावरफुल है, लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ये सारी की सारी रेमेडी तुरंत ही आपको आराम देगी। इसी तरह से हम और वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर मूलेटी के और कई तरह के फायदे अनगिनत चमत्कारी है, उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ऊर्जावान बनाने के लिए वो साइकिलिंग कर सकता है, वॉक पर जा सकता है, इस तरह की चीजें कर सकता है। लेकिन साथ में आहार के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख ले, जैसे कि आप परहेज करें, ठंडे के साथ गर्म ना खाए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि गर्म कुछ खा रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक ले रखी है या कोई सा जूस ले रखा है, तो इस तरह की गलतियां ना करें। खाने के साथ में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कोई सी भी चीज कभी भी खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर तीनों ही दोष बिगड़ने लगते हैं, और जैसे ही तीनों ही दोष बिगड़ते हैं शरीर का पूरा ऊर्जा लेवल खत्म हो जाता है, खून अशुद्ध होने लगता है, बीमारियां आने लगती है और फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू हो जाते हैं। अगर खाने पर ध्यान दिया, अगर आपकी दैनिक रूटीन पर ध्यान दिया तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आती है। रोजाना एक्सरसाइज करिए, योग करिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।